हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से सीरिया में फ्रांसीसी संरक्षण के विषय में बात करूँगी। जिस समय पूरा विश्व साम्राज्यवाद के युग का सामना कर रहा था तथा वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद अपने चरम पर था, उसी समय फ्रांसीसी संरक्षण सीरिया पर भी कायम हुआ था और इससे निकलने में बाहर सीरिया को काफ़ी वक्त भी लगा था। यहाँ पे यदि हम फ्रेंच मैंडेट ऑन सीरिया के विषय में बात करते हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगी कि किस प्रकार से फ्रांसीसी संरक्षण सीरिया में कायम हुआ था तथा इस वजह से सीरिया पे क्या इसके प्रभाव रहे और आगे चल करके फ्रांसीसी संरक्षण सीरिया में किस प्रकार से खत्म हो पाया था। सीरिया में फ्रांसीसी संरक्षण की नींव 25 अप्रैल 1920 को ही रख दिया गया था, जब सैनरेमो सम्मेलन में यह निर्णय ले लिया गया था कि सीरिया फ्रांसीसी संरक्षण के अधीन कर दिया जाएगा। अगर हम फ्रांसीसी इतिहास को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि फ्रांस सीरिया पर काफ़ी पहले से ही नज़र बनाए हुए था और इसकी पृष्ठभूमि में 1916 की साइकस पिकॉट समझौता है, जिसमें यह निश्चय लिया गया था कि फ्रांस अपना प्रभाव सीरिया पर बनाए रखेगा। फ्रांसीसी प्रतिनिधि दल ने पेरिस में आयोजित होने वाले शांति सम्मेलन में स्पष्ट रूप से फ्रांस के मंतव्य को रखते हुए सीरिया पर आधिपत्य का दावा कर दिया था, जिसका विरोध सिर्फ राष्ट्रपति विल्सन के द्वारा ही नहीं बल्कि सीरिया के लोगों के द्वारा भी इसके विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई गई थी। 1920 में दमिश्क में एक सम्मेलन का आयोजन कर फ्रांस के संरक्षण के प्रस्ताव को ठुकराते हुए फैजल को बादशाह बनाया गया था। इससे फ्रांस हतोत्साहित नहीं हुआ। इसी घटनाक्रम में 24 अप्रैल 1920 को जब सैनरेमो सम्मेलन का आयोजन हुआ तो इसमें अंततः 25 अप्रैल 1920 को सीरिया को फ्रांस के संरक्षण में देने का निर्णय ले लिया गया था। तो यहाँ पे 25 अप्रैल 1920 से ही सीरिया पर फ्रांस के संरक्षण का कायम होना निश्चित हो गया था। इस निर्णय के विरोध में सीरिया की जनता उठ खड़ी हुई थी और जिससे पूरे सीरिया में अशांति फैल गई। इस उपद्रव का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया था। 14 जुलाई 1920 को फ्रांसीसी सेना के सेनापति ऑरी गुरो के द्वारा सीरिया के बादशाह फैजल को चेतावनी दी गई थी। 24 जुलाई को फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया और इसी के साथ फैजल का शासन समाप्त तो हो गया था और फ्रांस की बरसों पुरानी इच्छा सीरिया को अपने संरक्षण में लेने की पूरी हो गई थी। फ्रांस प्रारंभ से ही सीरिया को अपने संरक्षण में रखना चाहता था और यही कारण था कि फ्रांस ने सीरिया पर शासन करने के लिए एक भेदभाव वाले नीति को प्रोत्साहित करने का सहारा यहाँ पे लिया था। उस समय सीरिया में सुन्नी मुसलमानों का प्रतिशत जनसंख्या के कुल प्रतिशत का 53% ही था। इसके अतिरिक्त 3,40,000 मैरोनी ईसाई जनसंख्या थी, जिसका निवास स्थान लेबनान पर्वत की घाटी थी, तथा 3,25,000 नुसैटी थे, जिसका निवास स्थान जबल नुसेरिया था। 1,60,000 द्रुज मुख्य रूप से जाबल दुरज में निवास कर रहे थे। वही 2,00,000 की संख्या में कुर्द लोग उत्तर पूर्व के द्वीप के इलाकों में निवास कर रहे थे। इन सभी ही लोगों के वैचारिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद, सामाजिक मतभेद विद्यमान रहे थे, जिसका फायदा फ्रांस के द्वारा उठाया गया था। फ्रांस ने इन सभी अलग अलग समुदायों को इस प्रकार से अपना समर्थन दिया कि इनके बीच के संबंध और अधिक खराब हो गए थे। फ्रांस के द्वारा सीरिया को छोटे राज्यों को एक संघ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, जिससे ये छोटे राज्य आपस में ही लड़ते रहे और फ्रांस के हित की पूर्ति हो सके। फ्रांस इसी से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने 1939 में सीरिया के उत्तरी भाग में स्थित अलेक्जेंड्राटा को भी सीरिया से अलग करते हुए उसे स्वायत्तता प्रदान कर दी थी।
तथा कालांतर में उसे तुर्की के हवाले कर दिया तथा उसके नाम को परिवर्तित करते हुए खाताए रख दिया था। सीरिया की कई छोटे छोटे भागों में विभक्त होने के कारण भी इसमें सफल होने के पश्चात फ्रांस ने वहां एक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को भी लागू किया, जिसके अंतर्गत उसने सीरिया में फ्रांसीसी शिक्षा भाषा का प्रचार प्रसार भी किया था। फ्रांसीसी भाषा कोड को एक अनिवार्य भाषा का स्वरूप प्रदान किया गया था तथा साथ ही साथ सीरिया के लोगों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि वे फ्रांस के राष्ट्रीय गीत को अपनाएं तथा उसे गाया करें। फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक को सीरिया में लागू कर दिया गया था। सीरिया में व्यावसायिक एक अधिकार और सुविधाओं को हासिल करने में सीरिया के नागरिकों की तुलना में फ्रांसीसी नागरिकों और व्यापारियों को प्रोत्साहित किया गया था। सीरिया में उपस्थित विद्वान शासन व्यवस्था फ्रांसीसी कंपनियों और व्यापारियों के हित में ही काम करती थी। सीरिया में जल्द ही फ्रांस के संरक्षण के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विरोध होने लगे थे और इस विद्रोह को दबाने में सीरिया के फ्रांसीसी हाई कमिश्नर जनरल सवाई के द्वारा काफी हिंसा का भी सहारा लिया गया था। वह एक निरंकुश व्यक्ति रहा था। उसने कई विद्रोही नेताओं को पकड़ लिया था, किंतु जमींदारों और किसानों के द्वारा भी विद्रोह में शामिल होने के बाद फ्रांसीसी शासन की स्थिति दयनीय हो गई थी, जिससे जनरल सवाई को वापस बुला लिया गया था। उसके स्थान पर हेनरी दे जुवेने को हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। उसके द्वारा विद्रोह का दमन करने का काफी प्रयास किया गया और 1926 में दमिश्क पर बमबारी भी की गई, लेकिन वह असफल रहा था। इसके पश्चात पोंसो को सीरिया भेजा गया, जो एक उदारवादी व्यक्ति था। उसने संसदीय शासन की व्यवस्था सीरिया में लागू की थी। 1928 में संसद के निर्माण के लिए चुनाव करवाया गया। 1930 में हाई कमिश्नर ने एक संविधान का निर्माण करवाया, जिसमें सीरिया को गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। 1932 में संविधान के तहत चुनाव करवाए गए थे और सीरियाई राष्ट्रवादियों के समर्थन से एक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी। संसद के द्वारा भी फ्रांसीसी शासन व्यवस्था का विरोध किया गया था, जिस कारण 2 वर्ष के पश्चात मंत्रिमंडल को भंग कर दिया गया था। इस समय सीरिया में 1932 में पॉपुलर सीरिया नाम का दल बनाया गया था, जिसका उद्देश्य एक बृहत्तर सीरिया का निर्माण करना था तथा इस दल के सदस्य हिंसा की गतिविधियों के लिए संचालन करने में गुप्त ठिकानों का प्रयोग किया करते थे। 1938 में इसके नेता को देश निकाला दे दिया गया था। इसके पश्चात फ्रांस के द्वारा सीरिया के लोगों के विद्रोह को खत्म करने के लिए तथा उनके विश्वास को जीतने के लिए कानून बनाकर भूमि को 4 भागों में विभक्त किया गया था, जिसमें पहला भाग मुल्क था, जिसमें ऐसी भूमि थी जो लोगों की अपनी संपत्ति थी और शरीयत के कानून के अधीन थी। भूमि की दूसरी श्रेणी मीरी थी, जिसके अंतर्गत ऐसी भूमि को रखा गया था जिस पर सरकार का स्वामित्व था, किंतु कब्जा किसानों के द्वारा किया गया था। तीसरी भूमि का श्रेणी मतरुका था, जिसके अंतर्गत ऐसी भूमि थी जिसका इस्तेमाल प्रयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। चौथी भूमि की श्रेणी मवात थी, इसमें बंजर भूमि को रखा गया था। इस भूमि सुधार से साधारण जनता को कोई भी फायदा नहीं हुआ था, बल्कि सरदार बड़े बड़े जमींदारों के रूप में परिवर्तित हो गए थे। जब यह प्रयोग भी असफल रह गया तो फ्रांसीसी शासन के अंतर्गत सीरिया को अपने संरक्षण में रखने के लिए दमन की नीति का सहारा लिया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर नेताओं को जेल में डाल दिया गया, राष्ट्रवादी प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जा रहा था जो फ्रांसीसी शासन के प्रति वफादार हों। दमन नीति के अनुसार से ही सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रखना असंभव होता जा रहा था। हर जगह फ्रांसीसी सैनिकों और सीरियाई राष्ट्रवादियों में संघर्ष
होने लगा था। आम हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसे संपूर्ण सीरिया में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। विवश होकर फ्रांसीसी हाई कमिश्नर को राष्ट्रवादियों के साथ हाथ मिलाना पड़ा और एक संगठन भी बनाना पड़ा था। एक सीरियाई प्रतिनिधिमंडल को संधि के लिए पेरिस बुलाया गया। 9 सितंबर 1936 को दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार फ्रांस को सीरिया की भूमि पर सेना तथा सीरियाई विदेश नीति पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था। सीरिया के उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा इस संधि का विरोध किया गया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और फ्रांस ने सीरिया को अपने साम्राज्यवाद नीति के तहत फ्रांस में शामिल कर अपना प्रत्यक्ष शासन सीरिया में लागू कर दिया था। 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार गया था। 1941 में फ्रांसीसी जनरल कैट्रो के द्वारा सीरिया की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। फ्रांसीसी अधिकारी द गॉल सीरिया को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं था। 1944 में फ्रांस ने सीरिया को स्वतंत्र करने की बात स्वीकार कर ली थी। 1 दिसंबर 1945 में फ्रांस के द्वारा सीरिया से अपनी सेना को हटाने का आश्वासन दिया गया था, परंतु इसमें तत्परता नहीं दिखाई गई थी, जिस वजह से यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में ले जाया गया था। अंततः 1946 में सीरिया से फ्रांसीसी सेना हटा ली गई थी और इस प्रकार सीरिया स्वतंत्र हो गया था। तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि सीरिया का जो यहाँ संघर्ष जो था वो काफ़ी लंबा रहा था, क्योंकि वो सीरिया जो है वो फ्रांस के संरक्षण से बाहर निकलना चाह रहा था, क्योंकि सीरिया में फ्रांसीसी जो लोग थे, फ्रांसीसी भाषा का प्रचलन सीरिया में था, सीरिया की करेंसी भी जो है वो फ्रांस की करेंसी भी जो है वो सीरिया में चल रही थी। जितने भी उच्च पद थे और जितनी भी नौकरियां मिल रही थी वो फ्रांस के लोगों को मिल रही थी। तो इस वजह से सीरिया कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहा था। जो पूरा ये पीरियड रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उस समय में भी हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जहाँ पे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ उसके पश्चात भी हम देखते हैं कि लगातार साम्राज्यवाद जो है वो चल ही रहा था। और 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ था उसके पश्चात भी और उस दौरान भी सीरिया जो है वो फ्रांस से अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहा था, परंतु इसके लिए फ्रांस बहुत तत्परता से सीरिया को स्वतंत्र करना भी नहीं चाह रहा था। परंतु 1944 में जब फ्रांस ने सीरिया को स्वतंत्र करने की बात स्वीकार कर ली थी, इसके बावजूद भी देखा यह गया था कि फ्रांस जो है वो तत्परता नहीं दिखा रहा था सीरिया को स्वतंत्रता देने के लिए, परंतु इसके बावजूद सीरिया के लोग जो हैं वो अपनी मांग स्वतंत्र होने की वो रखते आ रहे थे। विश्व में बहुत सारे देश जो थे वो समर्थन में भी थे सीरिया के, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, कहीं ना कहीं फ्रांस भी यहाँ पे जो है वो बाध्य हुआ था सीरिया से अपने संरक्षण को समाप्त करने के लिए। 1 दिसंबर 1945 में फ्रांस के द्वारा सीरिया से अपनी सेना को हटाने का आश्वासन तो जरूर दिया गया था, परंतु इसमें तत्परता नहीं दिखाई गई थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जितने भी जो मामले थे वो यूएनओ में जाते थे, तो यहाँ पे इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में ले जाया गया था और इसके पश्चात ही फ्रांस जो है वो सीरिया को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने के लिए तैयार हुआ था। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि 1946 में सीरिया से फ्रांसीसी सेना को हटा लिया गया था और सीरिया स्वतंत्र हो गया था। लगातार जब फ्रांस का संरक्षण रहा था सीरिया पे, हम देखते हैं कि संविधान में भी या उसके निर्माण की स्थापना की या चेंजेस उसमें लाने का भी प्रयास किया गया था। हालांकि यहाँ पे सीरिया के जो लोग थे उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं थे और किसी भी प्रकार से अपने आप को फ्रांसीसी संरक्षण से मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे। फ्रांस में यदि हम सीरिया फ्रांस का सीरिया पे यदि हम संरक्षण के विषय में बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जरूर कहा जा सकता है कि
ये एक प्रकार से नए उपनिवेशवाद को दर्शाता था, जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में भी उपनिवेशवाद के समाप्ति की घोषणा की गई थी, उसके बावजूद भी ये एक नए प्रकार के उपनिवेशवाद का हम प्रचलन जो है वो देखते हैं सीरिया में संरक्षण जो हुआ था फ्रांस का उसके द्वारा। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।